بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وبين لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں دوستو दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिनके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उन चीज़ों में एक अहम तरीन चीज़ माल है। जैसे इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता हवा के बगैर, इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता पानी के बगैर, लेकिन ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने फ्री रखी हैं और इतनी बड़ी मिकदार में रखी हैं कि इंसान को उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बल्कि हवा के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। अल्लाह ने एक नेचुरल सिस्टम ऐसा बनाया है कि हर इंसान को हर हाल में हवा पहुंचती रहती है, और हवा नहीं, आज का ज़माना चूंकि तालीम का ज़माना है, तहकीकात का ज़माना है, सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं है, और हर इंसान तक ऑक्सीजन हर जगह पहुँचती है। पानी के बगैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह ने पानी के लिए वसी तरीन इंतज़ाम फरमाया है, जिसको अगर हम समझना चाहें तो वाटर साइकिलिंग की सारी थ्योरियां पढ़नी चाहिए, तो फिर पता चलेगा कि पानी इंसान तक कैसे पहुंचता है और बेहतर से बेहतर अंदाज में कैसे पहुंचता है। उसके लिए अल्लाह ने कितने कारखाने चलाए हैं और कितने इंतजाम किए हैं ताकि इंसानों तक पानी पहुंच जाए। इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ वो है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वह है पैसा, माल। माल ही के ज़रिए से इंसान खाना पीना मुहैया करेगा, माल ही के ज़रिए से इंसान अपने कपड़े का, अपने मकान का इंतज़ाम करेगा, माल ही के ज़रिए से इंसान बीमार हो जाएगा तो अपना इलाज करेगा, माल ही के ज़रिए से इंसान अपनी तमाम दीनी और दुनियावी ज़रूरियात पूरी करता है। और ये माल इंसान माँ के पेट से लेकर नहीं आता। न अल्लाह ने दुनिया में कहीं माल का ऐसा ख़जाना रखा है कि हम जाकर उठा कर ले आए, बल्कि माल के लिए इंसान को कमाना भी पड़ेगा। अल्लाह को ताकत थी कि वो इंसान की कमाई के बगैर इंसान तक माल पहुंचाता, और अगर ऐसा अल्लाह चाहते तो कोई मुश्किल नहीं थी। जो अल्लाह आसमान से पानी उतार सकता है, जो अल्लाह ज़मीन से हर चीज़ें उगा सकता है, वो अल्लाह ताला शानो हर इंसान के साथ पैसे की एक बहुत बड़ी मिकदार भी साथ कर देता। अल्लाह के लिए आसान था, मगर उसके नतीजे में ज़िंदगी वैसी नहीं बनती जैसी अब है। ज़िंदगी कुछ और रुख पर बन जाती। इंसान कमाने के लिए जब निकलता है जो तो तरह तरह के हज़ारों मामलात पेश आते हैं, उन हज़ारों मामलात में उसको ये देखना पड़ता है कि मेरा अल्लाह इस काम से राज़ी है या नहीं, और जो कमाई का सोर्स में इख्तियार कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। ये सारा इम्तिहान तभी है कि जब इंसान कमाने के लिए निकले। अगर अल्लाह ने इंसान को कमाई का सिस्टम न दिया होता तो फिर ये सारा मसला ही नहीं पैदा होता। न फिर मुलाजमत होती, न मजदूरी होती, न खेती बाड़ी होती, न बिजनेस होता, न हुकूमतें चलती, कोई निज़ाम ही नहीं चल सकता था अगर इंसान कमाई का थैला लेकर साथ आता, पैसा लेकर के साथ आता, फिर कोई निज़ाम नहीं चलता। तो अल्लाह ने निज़ाम चलाने के लिए तय ये किया कि पैसा माल तो मैं ही दूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। अब जब इंसान मेहनत करने के लिए निकलेगा, पैसा कमाने के लिए, ताकि वो ज़रूरियात पूरी करे, तो बस वहीं से हलाल और हराम का फैसला शुरू होगा। इंसानी ज़िंदगी में कुछ हराम तो वो हैं जिन हरामों को हर इंसान समझता है और हर मजहब उनको हराम समझता है। हर सोसाइटी में वो जुर्म है, चोरी करना, रिश्वत लेना, फ्रॉड करना, तिकड़म करना, धोखा देकर माल लेना,
ये हर मजहब में जुर्म है, हर सोसाइटी में इसको गलत समझा जाता है, हर जगह लोग इसे बचने की कोशिश करते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल जुर्म है। लेकिन हरामों की एक किस्म वो है कि जो सिर्फ इस्लाम ने हराम किया, मसलन सूद इस्लाम में हराम, मसलन वरासत का तकसीम का निज़ाम इस्लाम ने मुकर्रर किया उसके खिलाफ वर्जी अगर की जाएगी और वरासत के निज़ाम को नाफिज किए बगैर, वरासत के उसूलों को फॉलो किए बगैर अगर हमारे पास कोई माल आता है तो हो सकता है वो माल हमारे लिए हराम हो, वो दूसरे का हक होगा। तो हरामों की एक किस्म वो है कि जो हर मजहब में हराम है इस्लाम में भी हराम है, और हरामों की एक किस्म वो है कि जो इस्लाम में हराम है। लॉटरी के जरिए से हो सकता है दूसरी सोसाइटियों में जो पैसा आए उसको वो जुर्म ना समझे, दानस करके जो पैसा कमाया जाए हो सकता है दूसरे सोसाइटियों में वो जुर्म ना हो, लेकिन इस्लाम में जुर्म है और ये कमाई हराम होगी। एक मुसलमान को चाहिए कि जैसे वो दीन के एक एक जुज को सीखता समझता और अमल करने की कोशिश करता है, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो ये देखे कि मेरे पास जो कमाई का सोर्स है वो हलाल है या हराम है। चाहे ये बहुत बड़ा बड़े पैमाने पर माल कमा रहा हो या निचली सतह पर, मजदूरी के सतह पर हो, मुलाजमत करता हो, बिजनेस करता हो, हर आदमी को बार बार ये देखना चाहिए मेरे पास जो माल आ रहा है ये हलाल है या हराम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात में से और खूबियों में से एक मुनफरिद खूबी, एक मुमताज खूबी ये भी थी कि आपने कयामत तक पेश आने वाले वाकयात को बयान कर दिया है और किसी नबी ने बयान नहीं किया। जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह इल्म अता हुआ था कि आप ये बताएं कि आइंदा क्या क्या होगा। बाकी नबियों को भी अल्लाह ताला शानू अता कर सकते थे, मगर अपनी मसलहत की बुनियाद पर बाकी नबियों को यह चीज नहीं दी गई कि आइंदा क्या क्या होगा। सिर्फ एक जात अकदस ऐसी है और वह है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको जैसे जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल दिखाए गए, बताए गए और आपने समझाए, उसी तरह से आइंदा क्या क्या होगा यह भी आप सामने बयान फरमाया। बल्कि उसमें बाज बातें ऐसी हैं कि अकलें हैरान हो जाती हैं कि उस वक्त हमारे नबी ने यह बात कही है जबकि दूर दूर तक इस बात के पूरा होने के इम्कान नहीं थे और आज वो बात पूरी हो रही है। पेशनगोईयां जिसे कहते हैं, दुनिया में बेशुमार लोगों ने पेशनगोईयां की हैं, लेकिन किसी इंसान की पेशनगोईयां 100% पूरी नहीं हुई, सिर्फ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है आपने जो कुछ कहा आइंदा ये होगा वो पूरा हो रहा है। मसलन आपने बयान फरमाया कि वक्त आएगा मक्का मुकरमा की इमारतें यहां के पहाड़ों से ऊपर हो जाएंगी, आज वहां सूरत आ गई। आपने फरमाया मक्का मुकरमा के पेड़ को चीर कर रास्ते बनाए जाएंगे, आज वह बन चुके हैं। या आपने फरमाया एक वक्त आएगा मर्द मर्दों के साथ औरतें औरतों के साथ अपनी जिनसी जरूरतें पूरी करेंगे, जिस वक्त आपने ये बात इरशाद फरमाई उस वक्त दुनिया में कहीं भी हम जिन्स परस्त होमोसेक्सुअलिटी नहीं थी, आज सारी दुनिया जानती है सूरत हाल क्या, और हमारे नबी ने उस वक्त यह बात बयान फरमाई थी। बस इसी तरह से हमारे नबी ने एक बात बयान फरमाई कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर आदमी की दौड़ होगी मेरे पास पैसा ज्यादा आए, हलाल आए या हराम आए इसकी परवाह नहीं, बस आना चाहिए पैसा। और जब आपने ये बात इरशाद फरमाई तो इसके माना ये है कि ये जैसे ईमान से महरूम लोगों की सोसाइटियों में ये बात पाई जाएगी, ईमान वालों में भी पाई जाएगी। चाहे आज जब हम माशरे पर नजर डालते हैं तो जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां हराम का लेन देन न हो रहा हो, हराम जरिए से दौलतें न कमाई जा रही हो, कम या ज्यादा लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं है। बिजनेसों की दुनिया में, मुलाजमतों की दुनिया में, दफ्तरों की दुनिया में, मजदूरी की दुनिया में, खेती बाड़ी की दुनिया में, हर जगह हलाल और हराम की तमीज के बगैर लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। उसमें यह भी परवाह नहीं है कि हम जो कुछ कमा रहे हैं ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक या आम इंसानी उसूलों के मुताबिक सही है भी या नहीं, बस हर आदमी की दौड़ यह है। और अगर कोई कमाने में कामयाब हो जाता है तो खुश है, और अगर कमाई कामयाब नहीं होती है तो परेशान। एक ईमान वाले के लिए इतनी बात काफी है कि अल्लाह फरमा रहे हैं ए ईमान वालो एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाना, या युल्लदीन आमनु ए ईमान वालो ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, कोई भी गलत तरीका इख्तियार करके दूसरों का माल हड़प मत करना, दूसरों का माल मत खाना। इसमें हर वो चीज आ गई जो भी जरिया गलत हो और उसके जरिए से इंसान माल कमाए, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, चाहे वो मुलाजमत करने वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्री चलाने वाला हो, किसी भी जरिए आमदनी को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से पैसा हड़प करने के लिए तो अल्लाह फरमा रहे हैं गलत तरीके से माल मत खाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिइमरिइन
किसी इंसान के लिए हरगिज हलाल नहीं है याकुल माल अखी ही, ये कि अपने किसी भाई का माल खाए। और भाई एक तो दीनी भाई होता है, एक वतनी भाई होता है, एक लिसानी भाई होता है, भाई भाई सारे इंसानी एतबार से भाई तो गैर मुस्लिम ही हमारे भाई है, ईमानी एतबार से भाई तो ईमान वाला हमारा भाई है। उखुवतें कभी भाई के कभी दीन के एतबार से होती हैं और कभी मुल्क के एतबार से होती हैं, कभी जुबान के एतबार से होती हैं, कभी कम्युनिटी के एतबार से होती हैं, और एक उखुवत है जो एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो अपने में भाई बहन है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कोई इंसान अपने दूसरे किसी भाई का माल गलत तरीके से न खाए, हलाल नहीं है। और जब लोग ये करते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, उसके नुकसान में पहला नुकसान ये होता है कि ये माल कमाने वाला जालिम करार पाता है, ये जुल्म है। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह की नजरों में नहायत ही नापसंदीदा इंसान होता है। और अगर इस इंसान को कोई मुश्किल पेश आती है और उस मुश्किल में ये बेकरार होकर अल्लाह को पुकारने लगता है, अल्लाह हरगिज इसके बाद सुनने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इशारा फरमाया कि कितने ही परेशान हाल, तबाह हाल, बिखरे हुए बालों वाले, मुसीबत ज्यादा अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मगर अल्लाह उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वजह उसकी यह है उनका खाना हराम, उनका पीना हराम, उनका लिबास हराम। रुब्बा कितने ही अकबर गुबार आलू तबाह हाल अश अस मुसीबत ज़दा यकूत या अल्लाह या अल्लाह, वमल बसुहु हरामुन वमा कलुहु हरामुन वमा शरबु, उसका खाना भी हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम। फल्ला युसजा, अल्लाह कैसे सुनेगा उसकी बात? वहां तो तुम मेरा हुक्म तोड़ रहे हो और मेरे बंदों पर तुम जुल्म कर रहे हो, और यहां तुम मुझसे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी बात पुकार कैसे सुनूंगा। लिहाजा हर ईमान वाले को चाहिए कि वो ये देखे कि मेरे पास जो सोर्स है इनकम का, इसमें कहीं हाला हराम तो नहीं आ रहा है। हराम से बचने के वाकयात भी अजीब हैं और हराम जरिए से दौलत कमाने के वाकयात तो और ज्यादा अजीब हैं। क्या इंसान क्या क्या फ्रॉड करता है, कैसे कैसे धोखे देता है, कैसे कैसे सिकंडल करता है, सोसाइटी की हर जगह ये नजारे पाए जाते हैं। खुसूसन हमारे दफ्तरों का हाल हम सबके सामने है कि किस तरह से इंसानों की दौड़ लगी हुई है कि किसी तरह से पैसा आए। बल्कि बार दफा तो ऐसा लगता है कि निचली सतह के मुलाजिम से लेकर के ऊपर दर्जे के तो लोगों का हाल सभी एक ही जैसा है, बल्कि बार दफा एक एक दफ्तर में हजारों आदमी होते हैं, एक आदमी भी ऑनेस्ट नहीं मिलता और हर आदमी उसे करप्शन में डूबा हुआ है कि सब किसी न किसी तरह से पैसा कमाए। बल्कि बेशुमार लोग तो वो हैं कि जो दूसरों के जरिए से पैसा कमवाते हैं, खुद भी खा रहे हैं, दूसरों को भी मजबूर करते हैं, तुम्हें ये साइन करने पड़ेंगे, तुम्हें ये कागज पर को तैयार करना पड़ेगा, तुम्हें ये बिलें बनानी पड़ेगी और क्या क्या। हराम से बचने के वाकयात इंसानी तारीख में भी हैं और इस्लामी तारीख में तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस्लामी तारीख में हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा बेटी का बेटा हजरत फातिमा के साहबजादे हजरत हसन है, वो हुजूर के घर में आए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूरें थी, मगर वो आपकी नहीं थी, वो बैतुल माल की थी, यानी ज़कात की या उशर की खजूरें होंगी। तो छोटा बच्चा है, उसने बोरी में से खजूर निकाल के मुंह में डाला तो अल्लाह के नबी सामने एकदम फौरन खड़े होकर मुंह से खजूर निकाल दी, कहते तुम्हारी हराम है। अपने छोटे बच्चे को हसन को एक खजूर नहीं खाने दी, फरमाई तुम्हारी हराम है। हालांकि 10 तरीके इख्तियार कर सकते थे, मतलब उसका पैसा वापस डाल देते, लेकिन आपने मुंह से खजूर निकाल दी। हजरत उमर इब्न खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, वो एक दफा मदीना तैयबा के किसी देहाती इलाके से गुजर रहे थे, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, वो आगे निकल गए थे, हजरत अमीरुल मोमिनीन पीछे रहे। चलते रहे तो आगे एक मैदान में देखा एक आदमी बकरियां चला रहा है, तो हजरत उमर इब्न फारूक रजी अल्लाह तआला ने सोचा कि मैं इसका इम्तिहान करूंगा, देखते हैं इसको हराम से बचने की फिक्र है या नहीं। तो उसे कहा भाई मैं एक मुसाफिर आदमी थका हुआ हूं, किसी बकरी का दूध निकाल कर मुझे पिलाओ। उसने कहा जनाब बकरियां मेरी नहीं है, वो मालिक वहां मदीना में है, तो उसकी इजाजत के बगैर दूध निकालकर आपको कैसे पिला सकता हूं। हद उमर फरमाया ठीक है, मैं तुम तो दूसरी तरकीब बताता हूं, मेरा भी फायदा होगा तुम्हारा भी फायदा होगा, एक बकरी तुम मुझे बेच दो और जब मैं बकरी खरीद लूंगा तो उसका दूध निकालकर मैं पीऊंगा, वो मेरे लिए होगा और तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तो तुम्हारा फायदा होगा तुम्हें पैसा मिल गया, मेरा फायदा होगा मुझे बकरी मिल गई मैं दूध पीऊंगा। उसके बाद अगर तुम्हें मालिक पूछेगा वो फलां बकरी कहां गई, तुम कहना भेड़िया खा गया, भेड़िया तो खाता ही रहता है बकरियां, और तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है और मालिक तुमको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा होता रहता है। उसे जवाब में वो नहीं मालूम था कि ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु,
तो उसने कहा ओ भाई साहब, मालिक को तो मैं बता दूंगा कि बेड़िया बकरी खा गया, मगर मालिक के मालिक को क्या बताऊंगा, वो तो देख रहा है मुझे। हमर फारूक आजम का अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत के अंदर इतनी दयानतदारी है कि जंगल में बकरियां चराने वाला चरवाहा, जिसका इल्म भी आमतौर पर ज्यादा नहीं होता, जिसकी अमली जिंदगी भी बहुत ज्यादा आइडियल जिंदगी नहीं होती है, उसका मिजाज ये है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जाहिर है जब उसका मिजाज ये है, वो कभी उस बकरी का दूध निकालकर खुद नहीं पीता होगा। हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला रात को बैठकर हिसाबात लिख रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाबात। तो रात को किसी शख्स ने कुंडी खटखटाई, हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह को थोड़ी सी नागवारी हो गई कि रात में मैं काम कर रहा हूं और इस वक्त कोई आ गया। फिर सोचा हो सकता है मजबूरी होगी, लिहाजा मुझे उठ जाना चाहिए। उठे, दरवाजा खोलते हुए भाई कौन है, तो बाहर से आवाज आई अली, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला थे। हज़रत फारूक आजम फौरन दरवाजा खोला और कहा तशरीफ लाइए। अब वो जब अंदर पहुंचे तो आपने फरमाया आप अपने काम के लिए आए हैं या पब्लिक के काम के लिए। मैंने कहा जी अपने काम के लिए आया हूं। फरमाया अंदर आ जाए और जाकर चराग पहले बुझा दिया। जब चराग बुझाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि हजरत ये चराग आपने क्यों बुझा दिया। उन्होंने फरमाया कि ये चराग बैतुल माल के पैसे का जल रहा था और तुम चूंकि जाती काम के लिए आए हो, मैं जाती काम के लिए बैतुल माल के चराग नहीं जला सकता। उन्होंने कहा हजरत अपना चराग जलाइए। फरमाया मेरे पास तो जाती चराग है ही, ये अमीरुल मोमिनीन है और आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और जाती चराग उनके पास नहीं था। अंधेरे में हजरत अली रज़ी अल्लाह की बात सुनी। और यह कोई एकाध वाकया नहीं है, फारूक आजम रज़ी का रूटीन ही ऐसा था। मिस्र के गवर्नर आए, और जाहिर है जब एक इलाके का गवर्नर आएगा तो 10 केस लेकर आया होगा। वो सारी रुदादे जब उन्हें सुनाई तो रुदादे सुनाते रहे, चराग के रात में बैठे हुए थे। तो अचानक उसने शुरू किया, हजरत आपकी तबीयत ठीक है? कहने लगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अहलो अयाल ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फला बच्चा? तो जो था कहा बच्चा, तो हजरत फारूक आजम ने कहा भाई साहब पहले मैं चराग बुझा दूंगा, तुमने जाति बातचीत शुरू की है, जाति बातचीत के लिए मैं चराग कैसे जला सकता हूं, ये तो बैतुल माल का है। चराग बुझा दिया। फरमाया पूछो कितना पूछना है। उस बेचारे का दिमाग ही घूम गया कि मैं क्या आगे क्या पूछूंगा। वो सोचने लगा कि मुझसे भी एहतियाती तो नहीं होती है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हैं यमन के, सुबह से शाम तक ज़कातें वसूल करते थे और अगले दिन शाम तक ज़कातें तकसीम करते थे। पहले दिन भी भूखे रहते थे, दूसरे दिन भी भूखे रहते थे, उसमें से खुद कुछ नहीं खाते थे। शाम को अपने घर आते थे, सूखी हुई रोटियां, वो भी खुश्क रोटियां, जौ की या गंदम की, पानी के साथ चबा चबा कर खाते थे। ये गवर्नर थे लेकिन हराम नहीं। ये तो उस जमाने की बात है जब खैरुल कुरून था, इसका इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा पाकीज़ा जमाना वही था। उस जमाने में हराम से बचने के वाकयात ऐसे हैं, लेकिन आज भी हैं। आज भी ऐसे लोग हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि साहब कि हराम से बचने की इतनी ज्यादा फिक्र। एक दफा एक तालिबिन में रहा होगा, मैंने देखा नहीं उसे, उसने मुझे फोन पर बताया कि मैंने संडे मार्केट से जैकेट खरीदा है। और आप जानते हैं कि जो पटरियों पर जैकेटें बिकती हैं, ये बाहर के मुल्कों के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करके बाद में उनको डस्टबिनों में फेंकते हैं और वो जैकेटें होते होते यहां तक पहुंचती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने लगे जी वो मैं घर जैकेट लाया तो उसमें अंदर जेबों का मैं देखा तो एक जेब में से $3,000 निकले। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या पूछना है? कल ये $3,000 मेरे लिए जायज है ना जायज? मैं हैरान हो गया कि जाहिर, मैंने उसे पूछा कहां से हो? कहने लगा बारामूला से। मैं सोचने लगा इस बारामूला के लड़के को कहां फिक्र है कि वो आदमी आएगा मुझसे पैसे मांगने के लिए तुम्हारे पास, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों पूछ रहा है ये? मैंने कहा बहुत सलामत, बहुत मुबारक है तुम्हारे इस मिजाज को जो मिजाज तुमने दिखाया, हराम से बचने की फिक्र ये। एक दफा एक साहब मेरे पास आए, उनके साथ एक नौजवान लड़का था। कह लगे जी ये नौजवान लड़का है, इसके वालिद गवर्नमेंट के किसी उस डिपार्टमेंट में ड्यूटी देते, मुलाजमत करते थे जहां तनख्वाहों का वो शेड्यूल बनता है। वो तनख्वाहों की शीट जो बनाता था तो उसमें उसने कुछ फ्रॉड किए हैं और 20-30 लाख रुपए का फ्रॉड उसने किया है। वो तनख्वाहों में से किस तरह करता होगा और वो पैसा खुद लेता था, बाद में वो खुल गया और उसमें खुलने के बाद फिर वो गिरफ्तार हुआ, कहीं जेल में था क्योंकि बदनामी भी हो गई और बीमार भी हो गया, बुढ़ापे में भी शायद रहा होगा, तो उसे उसकी वफात हो गई। वफात होने के बाद अब वो रिकवर कैसे होगा पैसा? मैंने कहा अब क्या हुक्म है? कहने लगे ये उसका बेटा है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे ये बेटा पूछना चाहता है कि मैं गवर्नमेंट को दरखास्त देता हूं कि मेरे बाप ने जितना फ्रॉड किया है वो पैसा आप रिकवर कर लें जीबी फंड से और उसमें से बाकी जितना बचेगा वो हमें दे दें। लेकिन गवर्नमेंट के अफसरान ने कहा कि चूंकि वो आदमी मर गया है अब हम वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा जीबी फंड जितना है वो तुम ले लो। तो ये बेटा ये पूछना चाहता है
कि मेरे बाप के जिम्मे जितना पैसा गवर्नमेंट का रहा है वो तो अब गवर्नमेंट वसूल नहीं कर रही है अपने किसी कानून के मुताबिक, और ये बाकी चीफ फंड में जो मैं लूंगा वो मेरे लिए हलाल होगा या हराम होगा। तो मैंने कहा यार दो किरदार सामने आए, एक किरदार तुम्हारे बाप का है और एक किरदार तुम्हारा है। मेरे भाई वक्त चूंकि ज्यादा नहीं है इसलिए मैं कंक्लूड करते हुए यह अर्ज करना चाहूंगा, हमें से हर शख्स को देखना चाहिए कि मेरे पास जो कमाई का सोर्स है यह हलाल है या हराम है। और जब आदमी इसकी फिक्र करता है तो हर हर जगह पर नजर रखेगा। यहीं से नगर शहर से एक तालिबे ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि जब मैं TDC पढ़ता हूं या बी या इसी तरह के कोई क्लास या फर्स्ट ईयर में हूं तो मेरे वालिद के लिए गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, मैं उस गाड़ी में बैठ करके कॉलेज तक जा सकता हूं या नहीं, गाड़ी वहीं से गुजरती है। मैंने कहा हाँ आप जा सकते हैं, गाड़ी तो वहीं से गुजरना है, आपको बैठने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने फिर फोन किया, कहने लगे जी मैंने ड्राइवर से पूछा था कि एक के बजाय जो दो आदमी बैठेंगे तो तेल उतना ही खर्च होगा या ज्यादा खर्च होगा, तो ड्राइवर ने कहा थोड़ा सा तेल ज्यादा खर्च होगा। अब मुझे बताइए अब मुझे उस गाड़ी में बैठना जायज है या नहीं, क्योंकि मेरे बैठने की वजह से तेल ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब उसको क्या इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो मिजाज है ये है असल में इस्लामी मिजाज कि आदमी एक एक चीज पर गौर करे कि जो मैं कमा रहा हूं यह हराम है या हलाल है। काश हमारे बाजारों में मिलावट ना हो, जिस मिलावट के जरिए से दुकानदार तरह तरह से लोगों से पैसा खींचता। काश हमारे दफ्तरों में रिश्वत ना होती, काश हमारी इंडस्ट्री में मिलावटें ना होती। मिलावटों का आलम अल्लाह अकबर। कि एक साहब ने मुझे बताया कि दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जाफरान कश्मीर का है, लेकिन कश्मीरियों ने अपने जाफरान को बदनाम कर दिया है इसलिए कि उसमें मिलावट करते हैं। और उसी ने मुझे बताया, ताज्जुब की बात है, हालांकि वो कश्मीरी नहीं है, वो बाहर के और यहीं थे और यहां वो जाफरान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इस वक्त भी मेरे रबते में है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कश्मीर का जाफरान सबसे टॉप होता है, और हमने स्पेन में और दूसरे मुल्कों में जगह जगह जाकर के देखा, कश्मीर के जाफरान का मुकाबला कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कश्मीरी लोग उसमें मिलावट करते हैं इसलिए आलमी मार्केट में इसकी वैल्यू घट जाती है। वो कहते हैं कश्मीरियों का जाफरान काबिल एतमाद नहीं, उसमें मिलावट होगी। फिर उसने कहा कि मक्की के पौधे में जहां वो भुट्टा बनता है मकाईवट, उसमें जो बाल होते हैं ये बाल ये जमा करते हैं, जमा करने बाद थोड़ा सा उसको गरमाएंगे, फिर उसको जाफरान का कलर करते हैं, फिर डब्बियों में बंद करके, और उसके बाद कहते हैं असली कश्मीरी जाफरान। गरज ये कि हलाल कमाने के जराए भी हैं और हराम जरियों से भी है। तो काश हमारा मिजाज ये बन जाए, और इस्लाम यही कहता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन एक इंसान आएगा, उसके पास नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, सदकात खैरात भी होगा, मगर चूंकि किसी का माल खाया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, तो वहां उसकी वो तमाम नेकियां दूसरों को दी जाएंगी। हमारे लिए मैसेज ये है इस गुफ्तगू की कि हम जिस जिंदगी के स्टेज में हैं, चाहे अभी कमा ना रहे हो, मसलन तालिब इल्म, उनके पास जो पैसा आ रहा है उनके वालदेन को जेब खर्च देते होंगे, जाहिर है इसमें तो हराम का खतरा नहीं है, तो वालदेन दे रहे हैं। हाँ आपके लिए इम्तिहान है कि आपका पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल के गलत चार्जिंग में खर्च कर रहे हैं और उसके बाद फिर मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं तो उसका कहता है कि पैसा तो आया था हलाल मगर इस्तेमाल हो रहा है हराम जगह पर। और जो कमाने वाले हैं, चाहे वो किस तरह से कमा रहे हैं, चाहे ऊंचे ओहदों पर हो तब, दरमियानी ओहदों पर हो तब, प्राइवेट मुलाजमतें कर रहे हो तब, या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते हो तब, सड़कों पर मजदूरी करने वाले मजदूर हो तब, या दुकानों पर बैठ करके बिजनेस करने वाले हों, हर शख्स को यह देखना चाहिए कि हराम जरिए से मेरे पास पैसा ना आए। और याद रखना चाहिए हराम जरिए से पैसा आने पर खुशी जरूर होती है मगर वक्ती, और आगे चलकर के वो बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है, और मुसीबत लाजिमन ये तय है। जिसने भी हराम जरिए से दौलत कमाई उसको दुनिया में भी सजा लगती है, किस तरह से कब क्या सजा लगेगी लगती है। सैकड़ों वाकयात हम जैसे छोटे लोगों के सामने भी हैं, फला आदमी ने इसी तरह से पैसा कमाया, आगे इस मुसीबत में फंस गया। एक दफा एक साहब ने मुझे फोन पर बताया, कल मेरी एक ही बेटी है और वो PhD कर रही थी, मैंने चाहा था इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाए लेकिन अचानक बीमार हो गई, जब टेस्ट किए तो पता चला कि ब्लड कैंसर है। मैंने कहा अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, क्या हुक्म है अब? कहने लगे क्या बताऊं मैं, मैंने साल हा साल तक मरे हुए मुर्गे होटल वालों को सप्लाई किए, मरे हुए मुर्गे बोनलेस करके फिर उनके रिश्ते बना बना करके बिकवाए हैं, मुझे लगता है उसी की सजा लग गई कि 20-30 लाख रुपए खर्च हो गए बेटी के इलाज में और बेटी ला इलाज है, तो पैसा जो आया था वो इधर से बर्बाद हो गया और साथ में सजा ये लग रही कि बेटी दुनिया से जा रही। हजारों ऐसे वाकयात कि जिसने हराम जरिए से पैसा कमाया
मैं जिस इलाके में रहता हूं उसी इलाके में एक साहब दूर दराज के गांव में आग लगी, सारा गांव जल गया। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मंजूर हुआ, तो ये साहब जिम्मेदार है रिलीफ तकसीम करने के लिए। अब वो 2-3 लाख रुपए एक मकान वाले को देना है, ये हर मकान वाले से कहता था 20,000 मुझे, उसके बाद बाकी पैसा ले लो। इस तरह से 20-25 लाख रुपए उसने जमा कर लिया। फिर क्या हुआ, जब वापस आए तो बीवी ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, चेकअप करने के लिए गए तो ब्रेस्ट कैंसर निकला, और वो जो 20-30 लाख रुपए था वो सारा उसमें चला गया, बाद में बीवी मर गई। याद रखना चाहिए, हराम जरिए कमाई, हराम जरिए कमाई खैर लेकर नहीं आता है। वक्ती तौर पर तो मजा आता है, मगर आखिर में अंजाम के एतबार से वो तबाही तबाही लेकर के आता है। आज हमारी सोसाइटी में बीमारियों का जो सैलाब है, उस सैलाब की बड़ी वजह हराम दौलत भी है कि हराम जरिए से हमने खाया, हराम जरिए से हमने कपड़े, हराम कमाई के कपड़े, हराम कमाई का खाना, हराम कमाई के कोल्ड ड्रिंक, हराम कमाई की चीजें, और उसके बाद फिर वही चीजें इंसान को नफा पहुंचाने के बजाय बीमारियों में मुबतला कर देती है। आज के जमाने में जितनी अच्छी गजाएं लोग खा रहे हैं, पिछली पूरी तारीख में कभी नहीं खाते थे ऐसे। यहां कश्मीर के लोग पुराने जमाने में सुबह को टिफ्ट चाय और तुरुन बात, और खाना खाना क्या होता था उनका, ठाकुर बात, मगर सेहतें ठीक थी, ऐसी बीमारियों का सैलाब नहीं था। और आज बीमारियों का हाल क्या है, टेस्ट की दुकानों पर जाकर के देखें, डॉक्टरों के यहां जाकर के देखें सूरत हाल क्या है। शायद ही कोई घर मिलेगा जिस घर के तमाम लोग मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, हर शख्स बीमारियों में फंसा हुआ है। उसकी बहुत सारी वजहें, जैसे फ्रॉड दवाइयां, फ्रॉड दवाइयों का सारा कारोबार हराम कमाई का नतीजा है, सब कंपनियां फ्रॉड दवाइयां बना रही है और लेबल बहुत अच्छा है, और यहां के दुकानदार बेच रहे हैं दवाइयां, उनके मालूम है कि दवाइयां सही नहीं है, उसके बाद वही दवाइयां बेच रहे हैं। हराम कमाई दौलत कमाने के जरा यहां तक कि डॉक्टर जो है वो गलत टेस्ट लिखता है, सिर्फ इसलिए लिखता है ताकि उसको पैसा मिल जाए कमीशन के जरिए। एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को ज्यादा कोई खतरनाक बीमारियां नहीं है, डॉक्टर को डायग्नोस हो गया, फिर भी लिखता है वो 10-15 टेस्ट, और इसलिए नहीं कि बीमारी डायग्नोस करनी है, बल्कि इसलिए वो टेस्ट लिखता है ताकि वहां से वो कमीशन ले सके। जाहिर है ये कमीशन, इधर से जब आप तनख्वाह ले रहे हैं और उधर से आप कमीशन लेंगे इस बीमारी को गलत टेस्ट कराकर, इसको कहते हैं इस्तेहसाल, कि टेस्ट वाले के जरिए इसका पैसा मैं खींच लूंगा। नुस्खा लिखने का भी अलग पैसा लिया, यानी फीस, जाहिर फीस लेना जायज है, मगर उसमें भी समझना होगा कि साहब आप फीस कितनी लेंगे। काश इंसान के का मिजाज ये बने कि मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को हलाल रखूंगा तो खैर ही खैर होगा। मेरे भाई, हम में से जो आदमी जिस प्रोफेशन के साथ है वो बार बार गौर करे कि मेरे पास हराम जरिए से पैसा तो नहीं आ रहा है, और अगर हराम जरिए से पैसा आ रहा, हराम जरिए से पैसा लाजिमन दूसरे पर जुल्म होता है, तभी वो हराम जरिए से पैसा आएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जुल्म किसी पर नहीं हुआ, हराम पैसा आ गया। मसलन चरस, आपने किसी शख्स ने चरस का कारोबार किया और चरस कहीं जमीन से उठाया, उसके बाद बेचा, तो इस पर दूसरे पर जुल्म तो नहीं हुआ कमाने में, मगर ये जो कमाई आई ये हराम है। अलबत्ता आगे जिन लोगों को ये चरस पहुंचेगी वो बर्बाद हो जाएंगे। तो हर इंसान को ये देखना चाहिए कि मेरे पास जो कमाई का सोर्स है वो हलाल है या हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन, जितनी चीजें हलाल हैं वो सबके सामने खुली हुई है, जितनी चीजें हराम है वो सबके सामने खुली हुई हैं। हर आदमी अपनी अकल कॉमन सेंस से समझ सकता है, चोरी करना जुर्म, फ्रॉड करना जुर्म है, जेब काटना जुर्म है, ये तिकड़म करना जुर्म है, रिश्वत खाना जुर्म है, ये हर आदमी समझ सकता है। इस्लाम ने भी इसको हराम किया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, राशी वल मुर्तशी किलाहुम फी नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नम में। एक जगह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, लान अल्लाह राशी वल मुर्तशी, लानत अल्लाह की उस इंसान पर जो रिश्वत ले रहा है। दुकानदारों का मामला, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अमानतदारी, दयानतदारी और हराम से बच करके जो इंसान बिजनेस करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन ये नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ होगा। अत्ताजिर सदूक अमीन मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा। और दूसरी हदीस में फरमाया, अत्तुजार युबासून यौम कयामत नारा, बिजनेस करने वाले सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मन बर्रा वत्तका, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने बिजनेस किया होगा मगर अमानतदारी और दयानतदारी के साथ बिजनेस किया होगा वो बच जाएंगे। दुकानदार के पास कस्टमर आ गया, इत्तेफाक से दुकानदार नहीं था, सेल्समैन था, दुकानदार नमाज पढ़ने गया था, सेल्समैन ने एक पीस उठाकर उसे दिया जो लटका हुआ था, कस्टमर लेके चला गया, दुकानदार नमाज पढ़ के वापस आ गया, उसने कहा यहां वो पीस लटका हुआ था वो कहां गया, कह लगा जी मैंने बेच दिया, कस्टमर मिल गया था।
दुकानदार ने कहा भाई वो पीस खराब था, मैंने उसको लॉट से अलग कर दिया था, तुमने क्यों बेचा? उसने कहा सब मुझे नहीं मालूम था। दुकानदार उस वक्त निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए, आगे जा करके एक आदमी को देखा थैला लेकर जा रहा है, इसकी दुकान का टैग लगा हुआ था, उसने थैला पकड़ा, कहने लगा भाई साहब ये तुमने अभी खरीदा हो? उन्होंने कहा जी। कहने लगा ये वापस ले आइए, आप दूसरा पीस ले लें क्योंकि इसमें डाग लगा हुआ है। वो हैरान हो गया, इसने ठीक वही अमल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह करने से पहले जवानी की जिंदगी में आप बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम पहुंचे थे और वहां कस्टमर को चीज बताते थे इसमें यह खराबी है, इसमें यह खराबी है, यह साफ चीज है, यह उमदा चीज है। तो आपके साथ जो नौकर जो गुलाम था, मैसरा उसका नाम था, उसने कहा हजरत आप अजीब दुकानदार हैं, आप अजीब बिजनेस कर रहे हैं, आप यहीं से कस्टमर को बताते इसके अंदर यह खराबी है। तो आपने फरमाया मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। उसने कहा हजरत इससे तो नुकसान हो जाएगा। कहने लगा नुकसान हो या नफा हो मैं धोखा नहीं दे सकता। जब वापस पहुंचे हैं तो बिजनेस में नफा हो चुका था। इंसान हराम से बचकर बिजनेस करे और फिर नुकसान हो जाए ऐसा नहीं होता। हाँ वक्ती नुकसान हो सकता है लेकिन आगे चल करके बरकतें होंगी। बहरहाल खुलासा यह है कि हम में से हर शख्स को यह देखना चाहिए कि मेरे पास आमदनी का जो सोर्स है वो हलाल है या हराम है। और इसी में घरों के वो झगड़े भी आते हैं जिन घरों के झगड़ों में भाई और भाई, भाई और बहनें प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूटों में एक दूसरे का माल हड़प करते हैं और मुकदमाबाजियां कर करके और गलत तरीकों से माल कमा कमा करके वकीलों के वकालतों के जरिए से और जजों से गलत फैसला के जरिए से माल कमाते हैं और वह हराम होता है। यानी एक भाई ने दूसरे भाई का माल हड़प किया। और हम कभी कभी ताज्जुब करते हैं जब हम का आदमी आता वो कहता है कि जनाब अगर इशारा मुझे देगी तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा आदमी कहता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, शरीयत माने या ना माने बस आप किसी तरह फैसला कर दें, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो जुल्म होगा। एक दफा एक साहब मेरे पास आए, कहने लगा जी हमको अपने भाई के साथ जमीन का झगड़ा है। उसे बुलाया, उसे कहा देखो भाई तुमने एक कनाल जमीन ज्यादा लिया है, 12-13 कनाल जमीन है, 6 कनाल इसका, 6 कनाल ये, जो एक कनाल तुमने ज्यादा लिया है ये गलत है। उसने कहा जनाब अपनी शरीयत अपने पास ही रखो, और इशारा था यू पाउन सी भी, ये कहकर उनका चला गया, माना नहीं। इसके बाद फिर तकरीबन 6 महीने के बाद 4-5 महीने के बाद ये आदमी खुद आया, कहने लगा जनाब हमको वो जमीन का झगड़ा था उसका फैसला कर दें। बुलाए उस दूसरे को तो याद आ गया ये लोग इससे पहले भी आए थे। मैंने उनसे कहा आप लोग इससे पहले भी आए हो? कह लगा जी हाँ। मैंने कहा उस दिन क्या मसला था? कहा उसने इस दिन दरखास्त दी थी, आज मेरी दरखास्त है। मैंने पूछा आपका क्या मामला है? कह लगा वो जो एक कनाल मैंने जमीन ज्यादा ली थी वो मैं वापस करना चाहता हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? कह लगा जी मैं तबलीग में निकला था 40 दिन में मुझे यही ख्याल रहा कि ये मैंने जो एक कनाल जमीन ज्यादा ली मेरे लिए हराम है, इसलिए मैं इरादा करके आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, एक कनाल जो तुमने ज्यादा लिया तो बहुत आसान है, आधा आधा कर दो, आधा उसका हिस्सा आधा तुम्हारा हिस्सा। तो उसने जवाब में बड़ी अजीब बात कही, कहने लगे एक कनाल जमीन को तकसीम करना वाकई आसान है, इसमें कौन सा मुश्किल है? मैं तो ये चाहता हूं कि उस एक कनाल जमीन से मैंने जितने फायदे आज तक उठाए हैं उसका हिसाब करो। छोटे भाई ने कहा सुगुची वो आप ही को हो गया, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं मुझे उसका हिसाब देना है, वरना मुझे अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारा मिजाज ये बने कि आदमी भूखा रहने को तैयार हो जाए मगर हराम लुकमा नहीं, आदमी सीधा साधा खाने को तैयार हो जाए मगर हराम जरिए की केक पेस्ट्री और हराम जरिए के मुर्गे और गोश्त नहीं। हम सीधा साधा कपड़ा पहने मगर हराम जरिए से कीमती कपड़े नहीं। हम सीधी साधी झोंपड़ियां बनाएं मगर हराम दौलत कमा करके महलात खड़े न करें तो उसमें आफियत ही आफियत है। यह हमारे दीन का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म, और कयामत में इसका हिसाब देना होगा। और अगर आदमी ने दूसरे पर माली जुल्म किया है तो अल्लाह ताला शान उसको माफ नहीं करते हैं, इसलिए कि बंदों और बंदों का मामला है। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह माफ कर सकते हैं, रोजा नहीं रखा अल्लाह माफ कर सकते हैं, आंख से गुनाह किया अल्लाह माफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का माल हड़प किया होगा, दूसरे पर जुल्म किया होगा, अल्लाह ताला उसमें हर चीज कोई मुदाखलत नहीं करते हैं। ये तो भाई इंसानों का मामला है, बस इरादा करके उठना चाहिए कि हमारा जो सोर्स है कमाई है वो हलाल रहना चाहिए। हराम सोर्स कमाई, कमाई का सोर्स अगर हराम है या हलाल जरिया है मगर उसके जरिए से हम हराम भी कमा सकते हैं, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहु हमको दीन की समझ अता फरमाए और हलाल पर जमा रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या